तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कॉपीराइट क्या है। अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो आपने कई छोटे बड़े यूट्यूबरों के मुंह से ये बात जरूर से सुनी होगी कि मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक आने की वजह से मेरा चैनल डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। और कोई कहते हैं कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आते मेरे चैनल की रीच डाउन हो गई और स्ट्राइक की वजह से अब मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच भी नहीं रही है। और अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो आपकी बहुत सी वीडियो पर कॉपीराइट आया होगा और ये देखकर आपके दिमाग में एक बात जरूर से आई होगी कि मेरे चैनल पर तो बहुत सारे कॉपीराइट है, फिर यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिलीट क्यों नहीं किया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कॉपीराइट है क्या, जिससे कि YouTube बहुत से चैनलों को डिलीट कर भी रहा है तो बहुत से चैनलों को डिलीट नहीं भी कर रहा है। कॉपीराइट के बारे में सब कुछ बताएंगे आपको, पर उससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा, ताकि YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेट की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपीराइट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कॉपीराइट क्लेम और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब हम बात करते हैं पहले कॉपीराइट क्लेम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट क्लेम YouTube कम्युनिटी की एक ऐसी गाइडलाइन है जिसके तहत अगर आप YouTube से किसी भी व्यक्ति की इजाजत के बगैर अगर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेते हैं या उसकी वीडियो का कोई क्लिप ले लेते हैं और आप अपनी वीडियो में यूज कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में YouTube की तरफ से आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है। और बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि आप जब उस वीडियो को अपलोड करते हैं तब तो आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे YouTube एल्गोरिथम को उस चीज का पता चलता है वो आपको 1 दिन में 2 दिन में 5 दिन में किसी भी वक्त आपको कॉपीराइट क्लेम दे देता है। और जैसे आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपने भले कितनी क्रिएटिविटी क्यों न की हो, भले आपने अपनी मेहनत से पूरा वीडियो बनाया हो, लेकिन आपको कॉपीराइट क्लेम आने के बाद जितना भी उस वीडियो से रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसका आपने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया हो या फिर उसकी वीडियो का कोई अदर क्लिप आपने अपनी वीडियो में यूज किया हो। लेकिन जो ये कॉपीराइट क्लेम की गाइडलाइन है ये आपको केवल YouTube की तरफ से ही देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी वीडियो पर ज्यादातर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है और अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और कॉपीराइट फ्री वीडियो कहां से ले, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और कॉपीराइट फ्री वीडियो कहां से ले सकते हैं। और हां दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता भी है तो इससे आपके चैनल पर कोई बेड इफेक्ट नहीं पड़ता, पर अगर आपको आपकी वीडियो पर ज्यादातर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है तो आप अपने चैनल से अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब कम्युनिटी की ऐसी गाइडलाइन है जिसके तहत अगर आप किसी भी व्यक्ति की वीडियो को पूरा डाउनलोड कर लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत डाउनलोड करते हैं या फिर आधा डाउनलोड करके अपनी वीडियो के साथ अटैच कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपीराइट एक कानून है जिसकी पालना YouTube को भी करनी पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में YouTube पर जितने भी क्रिएटर्स हैं वो ऑनलाइन अपना खुद का डिजिटल मटेरियल बनाकर डालते हैं और ये कानून उनको प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि अगर आपने कोई 6 से 7 मिनट का वीडियो क्रिएट किया और उसे YouTube पर डाल दिया और जैसे मैंने आपके कंटेंट को देखा मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे वहां से डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि अगर आपको कॉपीराइट मैच टूल मिला हुआ है तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी ने आपकी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल दिया है। अब भले उस व्यक्ति ने आपकी वीडियो का थोड़ा बहुत आधा या पूरा जितना भी वीडियो यूज किया होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो एक स्थिति तो ये हो गई कि आपको कॉपीराइट मैच टूल मिला हो तो आपको ये आसानी से पता चल जाता है। और अगर मान लीजिए आपको कॉपीराइट मैच टूल नहीं मिला है तो आपको कैसे पता चलता है। मान लीजिए कि आप यूट्यूब चला रहे हो और आप बहुत सी वीडियो देख रहे हैं और उसी वीडियो के बीच में आपकी वीडियो का क्लिप भी आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने वीडियो का कंटेंट देखते ही पहचान लेता है और वो व्यक्ति आपको वहीं पर स्ट्राइक दे देता है। अगर उस व्यक्ति को कॉपीराइट मैच टूल मिला हुआ है तो उस व्यक्ति को वहां पर ऑप्शन आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक देने का, और अगर उसके पास कॉपीराइट मैच टूल नहीं है तो वो आपको मैनुअली भी स्ट्राइक दे सकता है। कॉपीराइट देने का सीधा मतलब ये है कि आप YouTube को ये बता रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके कंटेंट को यूज किया है। अब YouTube को भी उस कानून की पालना करनी होती है तो वो आपको उस स्थिति में आपको एक स्ट्राइक दे देगा। अब स्ट्राइक आने से आपके चैनल पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा पहले वो समझते हैं। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आता है तो वो आपके चैनल पर 90 डेज तक रहता है और जिस भी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है वो वीडियो टेक डाउन हो जाती है और YouTube उस वीडियो को वहां से रिमूव कर देगा, कहेगा कि ये वीडियो आपका नहीं है और आपको ये भी बताएगा कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक किसने दी है और उसकी मेल भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब अगर आप अपने चैनल से स्ट्राइक हटवाना चाहते हैं तो आप मेल से सीधा उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अब अगर सामने वाला चाहे तो आपके चैनल से उस स्ट्राइक को हटवा सकता है। उसके लिए सामने वाले को YouTube को एक मेल लिखना होगा जिसमें उसको लिखना होगा कि वो अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को आपके चैनल से रिट्रैक्ट करना चाहता है। और अगर सामने वाले के पास कॉपीराइट मैच टूल है तो उसको वहां पर भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर सामने वाला आपके चैनल से स्ट्राइक को रिमूव करवा देता है तो आपकी वो वीडियो भी वापस आ जाएगी। और अगर मान लीजिए कि आपके पास अचानक ही एक साथ 3 स्ट्राइक आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि YouTube आपको 7 दिन का समय देता है उन लोगों से बातचीत करके अपने चैनल से स्ट्राइक हटवाने के लिए। अगर आप अपने चैनल से 3 में से 1 स्ट्राइक भी हटवा लेते हैं तो आप अपने चैनल को डिलीट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जो बाद में 2 स्ट्राइक बचती है वो ऑटोमेटिकली 90 डेज में हट जाती है। तो अगर आप अपने चैनल पर मेहनत भी कर रहे हैं तो किसी का कंटेंट यूज ना करें, वरना आपको कॉपीराइट क्लेम मिले या कॉपीराइट स्ट्राइक मिले दोनों में ही आपका नुकसान है। और अगर आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और वीडियोस लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं, हम आपको बताएंगे कि आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और वीडियोस कहां से लेनी है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो
वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूले ताकि YouTube और Facebook से संबंधित नए अपडेट की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।